हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन झाज ब्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स कैसे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी बिना लहसुन प्याज की खिचड़ी, जो व्रत में खाई जाने वाली है। तो दो उसके लिए आलू लिया है और आधा गोभी, ये बड़े साइज का था उसको बड़े बड़े फ्लोरेट्स में काट के ले लिया है। धनिया की पत्ती, दो टमाटर बड़ा बड़ा काट लिया है, थोड़े से बीन्स ले लिया 7-8 और 5-6 हरी मिर्ची, और एक डब्बा है ये, मतलब एक कप या डब्बा जिससे भी। तो ये खीर वाला चावल है बासमती राइस, और आधा कप मतलब आधा डब्बा मूंग की दाल धुली हुई। तो सबसे पहले गोभी को धो कर रख लिया था, इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है। और ये खिचड़ी आप किसी भी व्रत त्यौहार में बना सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये अभी मैं क्यों बना रही हूँ। फ्रेंड्स ये दुर्गा पूजा की रेसिपी है, जो कि मैं नवरात्रि में नवमी के दिन बनाई थी, वही खिचड़ी है, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं है, आप लोग जब कभी भी बनाइएगा बिना लहसुन प्याज के तो ऐसे बनाइएगा। तो मैं इधर गोभी फ्राई हो रही है, इधर मैं रोस्ट कर लेती हूँ दाल को, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है 2 मिनट में। तो इसको सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं, सॉरी रोस्ट कर लेते हैं मूंग दाल को। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कप ग्लास कटोरी को कुछ भी ले सकते हैं अपने अंदाज से। देखिए हमारा ये फ्राई हो चुका है, तो इतना ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो इधर ये गोभी फ्राई हो रही है, इधर ये भी हमारी दाल भुन गई अच्छे से, इसको अब निकाल लेती हूँ। इतना ही भुनना है, देखिए सुनहरा आ गया कलर, इसको निकाल लेते हैं और इधर गोभी को भी निकाल लेते हैं। कोशिश कीजिए पहले से धोकर पानी सुखा लें, वरना बहुत छिटकती है तेल में पड़ने पर कोई भी सब्जियां। तो मैं धोकर उसको सुखा ली थी, उसके बाद पोंछ भी दिया था। और ये दो आलू को बड़े साइज का आलू था, छीलकर इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। गोभी के भी बड़े बड़े टुकड़े रखे और आलूओं के भी, और बहुत आसानी से बता रही हूँ और बहुत अच्छी बनेगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ एकदम चुटकी भर, ताकि इसके अंदर अच्छे से, आलू के अंदर अच्छे से नमक चला जाए। देखिए कितना अच्छा सुनहरा होने तक इसको भी तल लिए, क्योंकि आप भोग वाली खिचड़ी देखे होंगे तो वो सब सारी सब्जियां फ्राई करके ही पड़ती है उसमें, तो इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मैं सरसों का तेल अभी डाली हूँ, आगे मैं दिखाऊंगी। ऐसे ये बनती घी में है, शुद्ध घी में बनाई जाती है ये भोग वाली। तो आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, पर मैं ये घी बाद में डालूंगी, अभी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो इसमें देखिए मैं 1 चम्मच घी डाली हूँ। अब इसमें मैं चावल को धो करके, जब तक मैं सब्जी को फ्राई कर रही थी चावल को धो करके बस उसका पानी निकाल दिया था, सिर्फ धोया था, इसको भिगो ही नहीं हूँ, तो इसका सारा पानी निकल गया था। देखिए चावल बिल्कुल ड्राई है, इसको भूनेंगे उतना जब तक कि चावल अलग अलग खिले खिले ना हो जाए। तो एकदम लो फ्लेम पर इसको भून लेना है चावल को, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। आप ऐसे भून कर बनाइएगा, देखिएगा कितनी अच्छी बनेगी खिचड़ी, एकदम खिली खिली अलग अलग, जैसे आप भोग प्रसाद में खाते हैं ना, दुर्गा पूजा या किसी भी ओकेज़न पर आप बनाते हैं भोग के लिए। देखिए चावल हमारा एकदम अलग अलग हो गया, इसको भी निकालता, बस इतना ही भूनना था, देखिए सारा अलग अलग है चावल। अब मैं फिर से इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ 2 चम्मच के लगभग, 2 बड़े चम्मच। तो देखिए गरम मसाले ली हूँ मैं, यही गरम मसाले डालूँगी। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4-5 हरी इलायची, 5-6 लौंग और 1 चम्मच जीरा, और 2-3 सूखी लाल मिर्ची, उससे फ्लेवर अच्छा आता है, बस फ्लेवर के लिए है, और 2 तेज़पत्ता। सबको एक साथ ही तेल गरम हो जाता है तो एक साथ ही डाल दें। तो इसको अच्छे से
गरम मसाला फ्राई होने तक भुने हैं। कलर चेंज हो गया, जीरा भुन गया, तेज पत्ता डाल दी इसी टाइम पे, ये थोड़ी सी हींग, हींग आपकी मर्जी है पर ये गोभी है इसलिए मैं डाली हूँ हींग। और ये बड़े बड़े टुकड़ों में टमाटर को भी काट लिया था, मतलब दो टमाटर थे बड़े साइज के तो उसको चार टुकड़े कर लिए हैं, एक टमाटर के चार चार टुकड़े, जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप उसको चार टुकड़े भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। उसके बाद ये अदरक, एक टुकड़ा अदरक का है क्योंकि लहसुन प्याज तो है नहीं इसमें, तो अदरक का टेस्ट आएगा। साथ ही मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दी हूँ जो खिचड़ी में लगेंगे, जितना उतना डाल दी हूँ क्योंकि सभी को अंदाज हो जाता है कि किसमें कितना नमक डालना है, जो खाना बनाते हैं कुकिंग करते हैं सभी को पता होता है, तो उस अंदाज से डाल दी हूँ ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर उसी अंदाज से हल्दी भी डाल दी हूँ जितना ज़रूरत है। खड़े गरम मसाले आप डालते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी चीज़ में। उसके बाद ये कलर के लिए थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि मसाले हमारे पाउडर फॉर्म में हैं तो मसाले जले ना, और फ्लेम हमारा मीडियम लो टू मीडियम है तो इसको अच्छे से भून लेते हैं। जब मसाला ऑयल रिलीज कर देगा तब तक भूनते हैं। देखिए टमाटर भी गलने लगा तो बस इतना ही भूनना है, ऑयल रिलीज कर दिया। साथ में डाल देते हैं ये दाल जो भून कर रखा था, मूंग दाल। अब डाल देते हैं चावल, देखिए अलग अलग है बिल्कुल। यही है मेन टिप्स जो कि आपकी खिचड़ी को बहुत स्वादिष्ट और टेम्प्टिंग बनाएगा। ये खास टिप्स है। आप इसको पहले से भिगो कर बिल्कुल भी मत रखिएगा वरना ऐसा टेक्सचर नहीं आएगा। तो देखिए मैं इसमें अभी पानी डाल दे रही हूँ। देखिए 3.5 का डब्बा मैं इसमें पानी डाली हूँ क्योंकि टोटल 1.5 कप था हमारा, तो मतलब 1 कप चावल आधा कप दाल उसी अंदाज से डाली हूँ। बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर डालूँगी, साथ ही साथ सारी सब्जियाँ डाल दी। और इसको एकदम लो फ्लेम करके, और ये गरम मसाले लास्ट में डाल दी हूँ क्योंकि अच्छे से इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा मसाला, टेस्ट आ जाएगा। अब इसको ढक देते हैं। देखिए ये मेन टाइम पर मैं इसी टाइम पे घी का यूज़ की हूँ और जो चावल में लगा, इसको ढक कर 5 से 7 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर पकने दिए हैं। तो देखिए पानी हमारा पूरा सोख कर लिया है खिचड़ी ने, तो अभी पानी कम लग रहा है इसमें, तो अब मैं फिर से पानी डाल रही हूँ। पहले 3.5 डब्बा डाला, अभी 2 डब्बा डाली हूँ पानी, मतलब टोटल 5.5 डब्बा पानी डाला है। इसको फिर से 10 मिनट के लिए एकदम सिम करके छोड़ दिया है। तो देखिए हमारी खिचड़ी एकदम परफेक्ट, देख सकते हो बिल्कुल भी गली नहीं है और बहुत आसानी है, मतलब बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर आ गया है। और इतना ही हमें पानी रखना है तो हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो गया। धनिया की पत्ती डाल दी, उसके बाद गैस को कर दिए बंद। तो देखिए कितना यमी यमी दिख रहा है ना फ्रेंड्स।
आ जाइए, सर्व कर दिए आप लोगों के लिए। तो आप लोग ऐसे टेस्ट करके बताइएगा कि कैसी बनी है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड।